हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब एफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट जो है दोस्तों यहाँ पे लारावेल में कैसे होता है, वही इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लारावेल के .com की वेबसाइट से हम एक लारावेल फ्रेश क्लोन जो है दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों अपने सिस्टम के अंदर डाल लेते हैं। तो कुछ इस कमांड को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सिंपली दोस्तों यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे और डेस्कटॉप पे अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे सेटअप करते हैं। गूगल मैप दोस्तों यहाँ पे जो उसका ऑटो कम्प्लीट है दोस्तों यहाँ पे कैसे होता है, वही इस मैप को यहाँ पे पूरा इस वीडियो में पूरा जो है आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लारावेल फ्रेश जो क्लोन है दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाने देते हैं, क्लोन हो जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है हम रन करेंगे, और इसके बाद जो है दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा कि आप ऑटो कम्प्लीट जो है यहाँ पे गूगल मैप का कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपना फ्रेश क्लोन जो है दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। इसको हम यहाँ पे दोस्तों PHP आर्टिजन सर्व कमांड के थ्रू यहाँ पे रन करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट कॉलन 8000 पोर्ट पर यहाँ पे रन होगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक कंट्रोलर बना देते हैं, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोलर के साथ साथ गूगल मैप कंट्रोलर ऐसा कुछ यहाँ पे बना देता हूँ। और इसके अंदर दोस्तों हम एक जो फाइल है यहाँ पे कॉल करेंगे सबलाइम के अंदर, मैं ओपन कर देता हूँ प्रोजेक्ट। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप पे एग्जांपल ऐप, और यहाँ पे दोस्तों गूगल मैप कंट्रोलर। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं web.php के अंदर ओपन करता हूँ इसको, मैं web.php यूज़ और गूगल मैप कंट्रोलर, और यहाँ पे दोस्तों नेम स्पेस जो है आपको यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पे दोस्तों मैप करके यहाँ पे मैं अपना कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ, कॉलन कॉलन क्लास, और यहाँ पे दोस्तों इंडेक्स नाम का मेथड, ये हुआ हमारा दोस्तों यहाँ पे। और इंडेक्स मेथड में दोस्तों यहाँ पे सिंपली फंक्शन और इंडेक्स करके यहाँ पे दोस्तों मैप का जो फाइल है वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न व्यू, और यहाँ पे दोस्तों गूगल मैप करके एक जो फाइल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये फाइल हुई दोस्तों हमारी गूगल मैप, और ये जो फाइल है दोस्तों यहाँ पे रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर मैं बनाता हूँ map.blade.php, और दोस्तों वापस जो है अपना प्रोजेक्ट PHP आर्टिजन सर्व रन करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सिंपली, और स्लैश दोस्तों हमने यहाँ पे मैप करके बनाया वो हम यहाँ पे पेज ओपन कर देते हैं। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे बूटस्ट्रैप में यूज़ कर लेता हूँ, बूटस्ट्रैप का जो वर्जन है दोस्तों यहाँ पे प्रीफिक्स जो रहता है वो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, और इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सेटअप करता हूँ कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दोस्तों। और इसके अंदर जो सारा कुछ रहता है दोस्तों यहाँ पे सेटअप करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है पूरा यहाँ पे कैसे काम करता है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो है हमने कॉपी कर लिया है पूरा, और यहाँ पे टाइटल दोस्तों यहाँ पे गूगल मैप ऑटो कंप्लीट वेब ऐप फिक्स, ये हुआ दोस्तों यहाँ पे सिंपली, और इसको भी दोस्तों यहाँ पे मैं रख देता हूँ। और इसके नीचे जो है यहाँ पे दोस्तों अपना जो अपना पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो पूरा कैसे बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, और इसके अंदर जो है हम यहाँ पे पूरा अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनपुट के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे DAV लेंगे, और इसके अंदर कंटेनर, और यहाँ पे दोस्तों MT5 करता हूँ मैं, और इसके अंदर ये जो अपना टैग है H2 कर देता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों H2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे DAV करता हूँ एक और क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे इनपुट
टेक्स्ट नेम के साथ दोस्तों यहाँ पे ऑटो कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो है आईडी ऑटो कंप्लीट करता हूँ मैं, और यहाँ पे दोस्तों क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर एंटर लोकेशन, ठीक है, ये हुआ दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है डीएवी क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसके साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पे आईडी करके मैं करता हूँ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड दोस्तों यहाँ पे एरिया, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर लेबल करता हूँ, और यहाँ पे लेबल के अंदर दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड का जो हमने दिया है सिंपली वो हम यहाँ पे देंगे नेम, ठीक है, ये हुआ नेम। आईडी भी दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड ये हुआ, और यहाँ पे दोस्तों क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल ये हुआ हमारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का जो है वो भी हम यहाँ पे देंगे, लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे दोस्तों लॉन्गिट्यूड एरिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों दोस्तों यहाँ पे हम देंगे, ये हुआ दोस्तों हमारा दोनों चीज़। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो CSS जो है दोस्तों यहाँ पे मैं अपना दिखाता हूँ कुछ पहले प्रॉपर, ये वाला जो है मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ दोस्तों सिंपली। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे बूटस्ट्रैप मीन कुछ इस तरीके से, और इसके नीचे दोस्तों हम अपना जो JS है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको मैं दोस्तों यहाँ पे रिमूव करता हूँ सिंपली बूटस्ट्रैप का जो JS है, और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जो है अपना JS स्क्रिप्ट जो है दोस्तों यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ कि हमारा स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे दोस्तों काम करता है कि नहीं, अलर्ट करके आ जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं पेज लोड करता हूँ तो। ओके दोस्तों यहाँ पे मैं जेक्वेरी मीन जेस रखना भूल गया हूँ CDN, तो वो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ CDN दोस्तों यहाँ पे जेक्वेरी मीन कुछ यहाँ पे आपको CDN मिलेगा, और वही जो है आपको यहाँ पे रखनी है। मिनिफाइड लेते हैं, कॉपी किया, और दोस्तों यहाँ पे जो है कॉपी करके स्क्रिप्ट जो है दोस्तों यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिंपली। दोस्तों यहाँ पे कॉपी करने का भी ज़रूरत नहीं है, नया बनाने का डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ मैं, देखिए कुछ ऐसे। और यहाँ पे दोस्तों अलर्ट जो है यहाँ आना चाहिए, देखिए तो यहाँ पे दोस्तों ये अपना अलर्ट जो है यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में जो है आपको अपना एक डॉक्यूमेंट रीड जो है यहाँ पे बनाना है, तो वो मैं बना देता हूँ डॉक्यूमेंट। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेडी, उसके अंदर फंक्शंस, ठीक है, ये हुआ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना दोनों हमने यहाँ पे दिया था लैंगिट्यूड एरिया एड क्लास, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों डी नन ये हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड ये हुआ दोस्तों यहाँ पे डी नन। ये दोनों चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे गूगल मैप का जो है वही आपको यहाँ पे डिफाइन करना है लास्ट में स्क्रिप्ट करके मैं करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो है फंक्शन बनाता हूँ एक, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक और जो है यहाँ पे गूगल का जो स्क्रिप्ट है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल का स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेरे पास है नोटपैड में करके मैंने रखा हुआ है, तो ये जो स्क्रिप्ट है दोस्तों आपको यहाँ पे रखना है सिंपली कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे आपको API की जो है वो लगानी है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ API की। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑलरेडी API जो की है वो शायद काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सेटअप किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है फंक्शन इनिशियलाइज ये हुआ दोस्तों हमारा, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर
वेरिएबल इनपुट इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट कुछ यहाँ पे हमने जो रखा है ऑटो कम्प्लीट वो यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेयर ऑटो कम्प्लीट वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू गूगल डॉट मैप डॉट प्लेसिस जो है दोस्तों यहाँ पे, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे डॉट करके ऑटो कम्प्लीट, ठीक है ये हुआ। और इसके अंदर दोस्तों हमारा इनपुट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा ऑटो कम्प्लीट, दोस्तों यहाँ पे शायद लोअर केस में है तो वो ऑटो कम्प्लीट, ये हुआ हमारा फंक्शंस। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट यूज़ करेंगे, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे डॉट एड लिस्नर, एड लिस्नर हुआ दोस्तों, इसके अंदर प्लेस प्लेस चेंज, और यहाँ पे दोस्तों सिंपली फंक्शंस ये हुआ। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे नीचे जो है वेरिएबल प्लेस इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट डॉट गेट प्लेस, ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अंदर जो है हमारा वैल्यू जो है दोस्तों आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। लैटिट्यूड दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो वो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं डायरेक्टली। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेल के अंदर प्लस जो हमने यहाँ पे रखा है प्लस, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉट जियो मैट्रिक मैट्री, और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे लोकेशन, और दोस्तों यहाँ पे लेट, ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। और दोस्तों यहाँ पे एल एन जी लेटिट्यूड फिर लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़, और दोस्तों यहाँ पे लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो है आपको यहाँ पे सेटअप करना है, ये हुआ। और दोस्तों अगर ब्लैंक आता है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे कुछ दोस्तों यहाँ ऐसे करना है रिमूव क्लास डी नन, ठीक है ये हुआ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड फिर लॉन्गिट्यूड एरिया दोनों चीज़ हमको यहाँ पे रखनी है, तो ये हुआ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एक बार देखते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे काम करता है कि नहीं, शायद लैटिट्यूड जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे कुछ बाहर रह गया है ऐसा मुझे लग रहा है। डी आई हुआ दोस्तों, और यहाँ पे लेटिट्यूड दोस्तों यहाँ पे शायद कुछ लग रहा है, लेबल लेबल ये भी सही है, ओके। और यहाँ पे दोस्तों दोनों चीज़ जो है लेटिट्यूड एरिया और लॉन्गिट्यूड एरिया दोनों जो है दोस्तों यहाँ पे रखना है, लेटिट्यूड एरिया और लॉन्गिट्यूड एरिया हमने यहाँ पे नहीं रखा था तो इसका जो एरर था वो यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे दोस्तों शायद मुझे लग रहा है कि कुछ इसके अंदर इश्यू है, एक बार टाइप करते हुए देखते हैं। मैप का जो की है शायद दोस्तों यहाँ पे मैंने जो गलत रखा है उसको एक बार सही रखते हैं। देखिए मैप का जो की है दोस्तों यहाँ पे सिंपली उसको एक बार रख के देखते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे दोस्तों मैप जो है शायद काम नहीं कर रहा है, एक बार देख लेते हैं इसका जो क्या इश्यू है। यहाँ पे दोस्तों
यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ हमने मिस कर दी है दोस्तों, सिंपली गूगल डॉट मैप्स डॉट इवेंट, और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा ऐड डॉम लिस्नर जो हमने यहाँ पे दिया था, ऐड लिस्नर, तो यहाँ पे दोस्तों लिस्नर, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे विंडो और इसके बाद यहाँ पे लोड, और यहाँ पे दोस्तों सिंपली अपना इनिशियलाइज फंक्शन जो हमने यहाँ पे रखा था वही यहाँ पे रखना है सिंपली कुछ इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे एक बार वापस लोड करके देखते हैं कि मैप जो है दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं ऑटो कम्प्लीट। यहाँ पे दोस्तों सिंपली जो है एक बार मैं टाइप करता हूँ और देखिए यहाँ पे कुछ एरर जो है दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो है मैप का की का एरर है। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, गूगल क्लाउड कंसोल सिंपली आपको ओपन करना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे की जो है दोस्तों यहाँ पे जनरेट करनी है। तो दोस्तों की यहाँ पे कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे कंसोल पे गया मैं और यहाँ पे दोस्तों अपना एपीआई जो की है दोस्तों वही आपको यहाँ पे रखना है, और एपीआई की के बाद आपका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे काम करेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डेमो के अंदर चला गया मैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों साइड में क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपली इसके अंदर से आपको दोस्तों एपीआई जो की है कॉपी करके यहाँ पे रख देनी है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, तो वो आपको यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना एपीआई की कुछ नहीं है तो एपीआई की दोस्तों यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, सॉरी एपीआई की। एपीआई की दोस्तों यहाँ पे कुछ दोनों एक साथ मैंने किया इसलिए एपीआई की वापस करते हैं। एपीआई की दोस्तों यहाँ पे शायद मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा है, एक नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, अपना जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो है एपीआई की मैं ढूंढ लेता हूँ अगर है तो। एपीआई की दोस्तों यहाँ पे वापस मैं एक बार क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अपना एपीआई जो की है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और एपीआई की दोस्तों यहाँ पे मुझे सिंपली कुछ इस फॉर्मेट में आपको रखना है, और ये जो एपीआई की है दोस्तों यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सिंपली सेव किया दोस्तों। और इसके अंदर आपको जो है दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी में से सर्विसेज के अंदर से दोस्तों हमको यहाँ पे गूगल मैप का जो एपीआई है दोस्तों यहाँ पे इनेबल करना है सिंपली, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इनेबल करना है मैप्स। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लेसेस का जो एपीआई है वो भी आपको यहाँ पे इनेबल करना है दोस्तों। यहाँ पे कुछ देखिए ये जो दोनों एपीआई है दोस्तों प्लेसेस दोनों दोस्तों यहाँ पे आपको इनेबल करना है, पहले वाला एक मैप्स जावास्क्रिप्ट एपीआई, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो एपीआई है ये भी आपको यहाँ पे सेम इनेबल करना है। दोनों चीज़ इनेबल हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये जो है हमारा यहाँ पे इनेबल हुआ कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि इनेबल होता है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे सिंपली जो हमारा की है उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। दोनों को दोस्तों एक बार वापस इनेबल करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ये इनेबल है दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे भी दोस्तों इनेबल हो चुका है शायद। तो यहाँ पे दोस्तों इसको क्लोज करता हूँ मैं, और दोनों आपको एपीआई जो है दोस्तों यहाँ पे इनेबल कर देनी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है एक बार रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा मैप जो है यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है एक दो मिनट के बाद ही एक बार चेक करते हैं तो ये जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों एक बार वापस चेक करते हैं, हमने एक बार किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है अपना गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों उसका लैट लॉन्ग भी दिखा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ आप करते हैं कि डेली, तो आपको उसका लैट लॉन्ग जो है दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप कुछ फॉर्मेट में लिखेंगे, आपको मतलब मानो कि कोई स्पेसिफिक जयपुर लिखा आपने, ठीक है, तो जयपुर का लेट लॉन्ग भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूके करता हूँ अगर, तो मतलब सारा दोस्तों यहाँ पे लेट लॉन्ग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट है दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखाया, वैसे आपको API है जो है यहाँ पे इनेबल करनी है, मैप्स जावास्क्रिप्ट API और प्लेसिस का API दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप मैप एम्बेडेड का API है, जियो लोकेशन का, जियो कोडिंग का API है, ठीक है, वो सारा कुछ दोस्तों आप अपने हिसाब से, आप जैसे भी आप काम करना चाहते हैं वैसे आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये था पूरा दोस्तों उसका गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट कुछ ऐसा काम करता है, और ये दोस्तों उसका कोड रहा। और आप इस कोड के यूज़ के थ्रू आप पूरा जो गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट जो है दोस्तों आप कुछ अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में दोस्तों यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप टाइप करके ही आपके पास लोकेशन आ जाएंगे। तो ये जो है दोस्तों कुछ गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे काम करता है। जैसे ही दोस्तों आप सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो उसका लैट लॉन्ग दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको इनेबल हो जाएगा। तो ये था दोस्तों गूगल मैप ऑटो कम्प्लीट। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।